वेलकम टू ओवरऑल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। जिस तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आज भी एक और किया है, शायद किसी ने देखा होगा कि वो है डिस्टेंस रिले से मुतालिक। डिस्टेंस रिले में जो बहुत ही टिपिकल किस्म की कैरेक्टरिस्टिक और कर्व होते हैं, तो उसके ऊपर हम 7-8 इंशाल्लाह वीडियो आप देखेंगे 7-8 दिन में अगले। तो ये साथ साथ केबल की भी सीरीज चला रहे हैं, केबल फॉल्ट पे भी मैं लेक्चर जारी करूंगा। केबल फॉल्ट का मेरा और टेस्ट करने का तवील तजुर्बा है, कम से कम 10-15 साल तो मैंने खुद ही केबल टेस्ट किए हैं, एज ए सीनियर जूनियर या मिडिल मैनेजमेंट कह लें, मिडिल जैसे कि मैनेजर लेवल पे। तो ये IC6040, मैं IC के रेफरेंस से चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि ऑथेंटिक हो सब में। ज़्यादातर मैं IC नंबर भी डाल रहा हूँ जहाँ ज़रूरत है, या रिले नंबर भी डालता हूँ। तो ये जो IC है, ये 36 kV मैक्सिमम से लेके 170, यानी ये समझ लें कि 36 का मतलब आप समझें कि जो नॉमिनल वोल्टेज होगा इसका, जो इसमें कवर हो जाएंगे वो 33 और 11 kV से ऊपर के कवर होंगे, और अप टू 170 kV। तो उसका ही बेंडिंग टेस्ट है, और जो निचले होंगे 36 से नीचे के, 36 से नीचे के, वो इसमें कवर नहीं है। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। बहरहाल ये जो केबल बनाते हैं तो उसको बेंडिंग टेस्ट करते हैं, और वो इसलिए ज़रूरी है कि पता चले कि वो मैकेनिकली भी स्ट्रांग है, क्योंकि जितने भी केबल हैं ख़ासतौर पर इन पर काफ़ी मैकेनिकल टेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इक्विपमेंट। और करंट का तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे बहुत टेस्ट हैं जो कि मैंने नहीं कवर किए हैं, वो मैकेनिकल से मुतालिक हैं इन केस केबल। तो आप ये देखें, ये बेंडिंग टेस्ट का क्लास है, मैंने वहीं से लिया ताकि मैं उसमें गलती का इम्कान ना हो। पढ़ाने के लिए एक दो पैराग्राफ लिए जा सकते हैं, पूरे पूरे कॉपी करके आप जो कमर्शियल यूज़ में नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये जो है पढ़ाने के लिए टीचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो सही है। अब ये देखें, इसमें ये दिया हुआ है कि ये एक टेस्ट सिलेंडर होता है, उसके ऊपर इसको बेंड कर लपेटा जाता है केबल को, और जो डायमीटर उसका टेस्ट सिलेंडर का है उसका ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये जब आप टेस्ट पे जाते हैं तो उनके पास होती है सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये चेक करना है कि आया ये केबल के डायमेंशंस के हिसाब से ये सही है, क्योंकि डी जो है ये आपको पता है नॉर्मल डायमीटर कंडक्टर का है, और ये कैपिटल जी जो है ये नॉमिनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द केबल है। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए और प्लस माइनस 5% इसमें ऐड करेंगे, ये एरर या टॉलरेंस है, तो ये डायमीटर इसका निकलेगा। तो ये ज़रा इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसके ऊपर इसको लपेट जाएगा, और दो टेस्ट और किए जाएंगे इसके ऊपर के, उन टेस्ट के बाद उसके लपेटने के बाद ये दो टेस्ट इस पे किए जाएंगे, और वो बेंडिंग उसका डायमीटर है। तो ये जो टेंडेंट डेल्टा और पार्शियल डिस्चार्ज और उसकी जो रीडिंग है वो आनी चाहिए, जो मैं अगले टेबल में दिखाऊंगा। और जहाँ तक ये दोनों टेस्ट का ताल्लुक है वो अलग वीडियो में आपको मिलेंगे, मैंने अलग बयान किया है कि टेंडल डेल्टा क्या है और पार्शियल डिस्चार्ज का टेस्ट क्या है, वो अलग वीडियो लेक्चर मौजूद हैं। यहाँ मैंने सिर्फ इसका टेबल और ये ऐड कर दिया है क्योंकि इस बेंडिंग का ताल्लुक इन टेस्ट के साथ है। तो ये देखें, ये इसकी जो रिजल्ट हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपका इंसुलेशन दिया हुआ है ऊपर, एक और टेम्परेचर का ही मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर लोड किया हुआ है कि इनके हिसाब से टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो एक अलग है। तो यहाँ पर बहरहाल इसी हिसाब से दिया हुआ है, दोबारा से यहाँ टेम्परेचर दे दिया गया है ये इन्होंने, और फिर ये मैक्सिमम टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू दी हुई है, और पार्शियल डिस्चार्ज की वैल्यू जो है ये पिको कूलम आपको पता है चार्ज का यूनिट होता है, और ये यूनिट भी दिया हुआ है। और टेस्ट कितने पे करते हैं, 1.5 U नॉमिनल पे। तो अब ये जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसके टेस्ट का तरीका और वो सारा कुछ उनकी क्लास में मिलता है, जहाँ पर आपको पार्शियल डिस्चार्ज और टेंजेंट डेल्टा का तस्करा मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पर मैंने डाल दिया ताकि सब चीज़ एक जगह जमा हो जाए। तो उम्मीद है ये काफ़ी आपके लिए मुफीद किस्म की चीज़ें हैं, बहुत सी नॉलेज के लिए हैं, मुफीद हैं, बहुत सी रेफरेंस के लिए हैं, लेकिन ये जब आप ढूंढेंगे तो मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटा करके इनको डाल देता हूँ। और ख़ुद मैंने टेस्ट किए हुए हैं तो मुझे पता है कौन सी चीज़ लेनी है, कहाँ से लेनी है, तो इससे ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए।